सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमेट्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। सिंह राशि वालों को जनवरी 2018 में होगा बड़ा आर्थिक लाभ। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमेट्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों जनवरी 2018 सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है, हम आपका मासिक राशिफल बताने जा रहे हैं। इसको जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। सिंह राशि वालों को इस महीने अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे, व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे और यदि अविवाहित है तो सगाई संबंध की संभावनाएं अत्यंत प्रबल है। अगर विवाह में देरी हो रही है तो कोई प्रेम संबंध विकसित हो सकता है और अगर विवाहित है तो जीवन साथी के साथ अत्यंत शुभ समय चल रहा है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य या व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, नई फर्म या कंपनी बनाने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। संतान पक्ष के लिए शुभ समय चल रहा है, उनका प्रदर्शन इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। महीने के प्रथम उत्तरार्ध में जो अड़चने चल रही होगी वे उत्तरार्ध में हल हो जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में राशि से छठे सूर्य आपको विजय दिलाने होंगे। आपके विरोधी स्वयं परास्त होंगे, एक प्रमुख विरोधी को आपके कारण नीचा देखना पड़ेगा। आपके लिए कार्यक्षेत्र में इस महीने बड़ा आर्थिक लाभ होने का एक अच्छा संयोग बना हुआ है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और स्थायी संपत्ति जो पिछले कई दिनों से आपके लिए लाभप्रद नहीं हो पा रही थी उससे भी आपको लाभ का एक अच्छा संयोग बन रहा है। भाई बहनों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ है, संबंध आपके सुधरेंगे, किसी बड़े कार्यक्रम में मिलने जुलने की संभावना है तथा उनके कामकाज में बढ़ोतरी होगी। कामकाज में आपके जो है प्रशंसक बढ़ेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी कार्यशैली में इस माह कुछ परिवर्तन भी आएगा और आप पहले से ज्यादा जो है निखर करके आएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना होगी, उच्चाधिकारी आपको पसंद करने लगेंगे, आपके कार्यों को परखा जाएगा। आपके कार्यों के कारण आपको कुछ विशेष उपलब्धि भी इस माह प्राप्त होने वाली है। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने का उत्तम संयोग आपके लिए जनवरी 2018 में बना हुआ है। तो मित्रों सिंह राशि का जनवरी 2018 का यह मासिक राशिफल हमने आपको बताया है। इस राशिफल को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।